हिंदी ट्यूबर टेक के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दिखाई न देने वाला फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे अक्सर ये होता है कि हम कोई भी अपना वीडियो है या फोटो है, इमेजेस हैं, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, और हम उसको एक सॉफ्टवेयर की मदद से या फोल्डर लॉक लगा लेते हैं, फिर भी दोस्त जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो उसको देख लेते हैं, पासवर्ड जान जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने वीडियो या उनको फोटोज़ को कुछ कोई भी चीज़ को आप एक ऐसे फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं जो फोल्डर ही नहीं दिखाई देगा। वो फोल्डर जैसे ये देखिए, मेरे एक डेस्कटॉप पे बना हुआ फोल्डर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक फोल्डर बना हुआ है, ये इनविजिबल फोल्डर है। तो मैं आज आपको बताऊँगा इस तरीके का फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। फोल्डर क्रिएट करने के बाद में अब मैं स्टार्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा। स्टार्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद में मैं यहाँ पर टाइप करूँगा करेक्टर मैप। करेक्टर मैप पे टाइप करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आऊँगा, ये मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूँगा जो बिल्कुल ब्लैंक है। आप जब सिलेक्ट करें तो ये ध्यान रखें कि आपने जो आइकॉन सिलेक्ट किया है तो वो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। तो ये मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा वह फोल्डर पे आऊँगा जो मैंने क्रिएट किया हो, उस पर मैं रीनेम करूँगा उसका। मैं रीनेम करने के लिए मैं कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी किया है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में अब मैं दोबारा फोल्डर पर सिलेक्ट राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूँगा। प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद में कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज में जाने के बाद में चेंज आइकन को सिलेक्ट करेंगे। चेंज आइकन को सिलेक्ट करने के बाद में हम थोड़ा ड्रैग करेंगे और ये देखिए जो आइकन है वाइट कलर का, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में ओके बटन दबाएंगे और देखिए आपका ये फोल्डर जो है वो गायब हो गया। तो इस तरीके से इसे आप कोई भी इनविजिबल फोल्डर कहीं पे भी बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, और आप अपने वीडियो फोटोज़ जो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।